एपिसोड की शुरुआत में यमातो अपनी क्लास में बैठा सोच रहा था। मैं हमेशा से सोचता था कि आशिया के बस मेरे पास होना, मेरे साथ हंसना मुस्कुराना, यही सब मेरे लिए काफ़ी होगा। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मैं उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। पर मेरा ये प्यार आशिया को डरा रहा है, मुझे उससे इस बारे में बात करनी होगी। ऐसा सोचकर वो क्लास ख़त्म होने के बाद आशिया से बात करने ही वाला होता है, तभी उसके टीचर उसे आवाज़ लगा देते हैं। यमातो कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अगले दिन आशिया जब अपने घर में था, उसकी बहन मिकोतो उससे पूछती है, क्या मैं अकेले ताकिया के लेने के लिए जा सकती हूँ? यमातो कहता है, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी। अगर स्ट्रेंजर्स तुमसे बात करने लगे तो, तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो तुम क्या करोगी? मिकोतो कहती है, अच्छा होगा कि आप दूसरों से ज़्यादा अब अपने बारे में परवाह करें। ब्रदर, क्या आपके और आशिया के बीच में झगड़ा हुआ है? तभी आशिया भी यमातो के घर तक आ गया था और बाहर खड़ा था। वो सोच रहा था, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? वो यमातो के कॉल या मैसेज करने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। तभी मिकोतो वहाँ आ जाती है। मिकोतो उससे कहती है, क्या आपको भाई से कुछ काम है? मिकोतो अपने भाई यमातो को मैसेज करके बता देती है कि वो आशिया के साथ है और आशिया और वो मिलकर साथ में टेम्पल विजिट करने के लिए जा रहे हैं, जिसे देखते ही यमातो भी वहाँ से निकल जाता है। मिकोतो और आशिया साथ में जा रहे थे। तभी आशिया कहता है, कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होती है कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाता और हर बार यमातो को ही कंप्लेन करता रहता हूँ। मिकोतो कहती है, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मेरे भाई को कभी ऐसे इंसान से प्यार नहीं होगा जिसमें कोई खासियत ना हो। तुम में ज़रूर कोई खासियत है, इसलिए मेरे भाई को तुमसे प्यार हुआ। तभी यमातो भी वहाँ पहुँच जाता है। यमातो आशिया से कहता है, आशिया, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इससे पहले कि आशिया उससे कुछ कह पाता, उनके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनमें होसाका भी था। होसाका कहता है, हम लोग भी यहाँ मंदिर विजिट करने के लिए आए थे। जब आशिया मंदिर में जाता है तो वो प्रे करता है, काश मेरे और यमातो के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे कि हम पहले रहा करते थे। होसाका यमातो से आकर पूछता है, इस बार तुम दोनों के बीच क्या हो गया? यमातो कहता है, आशिया को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं इसी बात से खुश हूँ कि वो मेरे साथ है। उस दिन अचानक से मैंने कंट्रोल खो दिया था, ये सोचकर कि शायद आशिया मेरे बारे में वैसा ही सोचता है जैसे मैं उसके बारे में सोचता हूँ। होसाका कहता है, तुमने प्रॉपर तरीके से अपनी फीलिंग्स आशिया को बताई हैं या नहीं? काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम सामने वाले इंसान तक नहीं पहुँचा पाते जब तक हम उन्हें शब्दों में नहीं कहेंगे। अगर तुम दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। ये सब सुनकर यमातो कहता है, मैं अभी के अभी आशिया के घर जा रहा हूँ। जब वो आशिया के घर के लिए जा रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है, आशिया एक बच्चे के साथ खेल रहा था और काफ़ी खुश दिख रहा था। आशिया भी यमातो को देख लेता है और वो दोनों साथ बैठते हैं। यमातो आशिया से कहता है, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? क्या तुम खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो? आशिया कहता है, हाँ थोड़ा सा। यमातो कहता है, पर मुझे तुम्हारी वो सब बातें भी पसंद हैं। तुम्हारे अंदर काफ़ी सारी बातें हैं जो किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हैं। तुम लोगों को परेशानी में अकेला नहीं देख सकते, तुम उनके साथ एंजॉय करना जानते हो। इसलिए खुद पर कॉन्फिडेंस रखो आशिया, और अपने आप से प्यार करो। आशिया मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। तभी यमातो कहता है, मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज से मैं वो सब कुछ नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं। आशिया कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे वो सब पसंद नहीं है? हाँ ये बात सच है, उस दिन मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड रह गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो सब कुछ पसंद नहीं। ये सुनते ही यमातो उसे तुरंत हक कर लेता है। यमातो उससे कहता है, तुम इस तरीके की बातें क्यों करते हो आशिया? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खुद पर कंट्रोल कर पाना। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आशिया मुझे पसंद करने लगे। होसाका और अमामिया फिर वहाँ पहुँच जाती हैं। अमामिया कहता है, तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? आशिया उन दोनों के साथ निकल जाता है। वहीं यमातो सोच रहा था, मुझे बहुत लंबे समय से डर लगा रहता था मेरी फीलिंग्स को लेकर। मुझे डर रहता था कि कहीं मेरी ये फीलिंग्स जो आशिया के लिए हैं, वो हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद ना कर दें। पर अब मुझे खुशी है कि मुझे आशिया जैसे लड़के से प्यार हुआ। अगले दिन क्लास में फुजिनो आशिया से पूछता है कि उसे कितने मार्क्स मिले। आशिया को पूरे 70 मार्क्स मिले थे। ये देखकर फुजिनो भी शॉक रह जाता है और उसे कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया।
यमातो भी उसकी मार्क सुनने के बाद आशा से कहता है, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है आशा। आशा मन में सोच रहा था, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर यमातो फक्र कर सके, ना कि शर्मिंदगी। फुजिनो आशा को बाहर खींच कर लाता है और उससे कहता है, तुमने स्टडी के लिए इतना हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया है, मुझे पता है क्यों। क्योंकि तुम्हें आने वाले कोसाका डे पर बहुत सारे लोगों से स्वीट्स चाहिए, है ना। आशा कहता है, कोसाका डे ये क्या होता है। जीनो कहता है, तुम्हें नहीं पता, क्रिसमस से पहले ये एक दिन माना जाता है जहाँ काफी सारे कपल्स बनते हैं। हमारे स्कूल का तो ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है, उस दिन कन्फेशन डे माना जाता है। जो भी अपना प्यार कन्फेस करना चाहे उस दिन कर सकता है। ये सुनकर आशा कहता है, कब आता है ये दिन। पुजीनो कहता है, कल ही तो है। आशा कहता है, कल। और अगले ही दिन वो काफी सारी स्वीट्स खरीदने के लिए निकल जाता है। वो सोचने लगता है, क्या ये वियर्ड होगा अगर मैं यमातो को काफी सारी स्वीट्स दूंगा, पर मैं तो उसे बस अपना ग्रेटिट्यूड देने के लिए ये करना चाहता हूँ। मुझे उसके कन्फेशन को रिस्पॉन्ड भी करना है। तभी अकाने वहां आ जाती है। अकाने और आशा साथ में बैठे होते हैं। अकाने कहती है, लास्ट टाइम हम स्कूल ट्रिप पर ही मिले थे, तब से हमारा मिलना ही नहीं हो पाया है। वैसे तुम उस शॉप पर क्यों गए थे, तुम स्वीट्स खरीद रहे थे क्या। आशा कहता है, हाँ मुझे किसी के लिए स्वीट्स खरीदनी थी, किसी और मकसद से नहीं। मैं बस उस इंसान को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। अकाने कहती है, वो इंसान जो भी कोई होगा वो बहुत खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने प्यार का कन्फेस हमसे करता है। तो दोनों बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी आशा कहता है, अगर मैं तुम्हें स्वीट्स दूंगा तो बहुत वियर्ड होगा ना। अकाने कहती है, कोई बात नहीं आशा, तुम बहुत अमेजिंग हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ऊपर थोड़ा और कॉन्फिडेंस रखो, अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़े और कॉन्फिडेंट बनो। खुशाकड़ी वाले दिन यमातो स्कूल आया ही नहीं था। उसने आशा को मैसेज कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, इसलिए वो आज क्लास में नहीं आ पाएगा। कुछ लड़कियां आशा के पास आकर कहती हैं, आशा यमातो आज के दिन क्लास क्यों नहीं आया और तुम आ गए हो। आशा कहता है, शायद उसे कोल्ड हो गया है। आशा बाहर आ जाता है, उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा था। तभी वही लड़की कुरोसावा फिर से आशा के पास आकर कहती है, ये स्वीट्स प्लीज तुम मेरी तरफ से यमातो को दे देना। आशा कहता है, मैं उसे अमुलेट भी नहीं दे पाया था और इस बार तुम ये स्वीट्स दे रही हो। तो वो लड़की कुरोसावा कहती है, इस बार तुम्हें देना ही होगा, चुपचाप ये पकड़ो। आशा को याद आता है लास्ट टाइम उसकी इस हरकत का यमातो को बहुत बुरा लगा था। यमातो ने उससे कहा था, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है। इसलिए इस बार आशा उस लड़की से वो स्वीट्स नहीं लेता और उसे सॉरी कहकर यमातो के घर के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि यमातो बाहर ही खड़ा था। आशा उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ कैसे। यमातो कहता है, वो मैसेज मैंने तुम्हें नहीं किया था, मिकोतो ने कर दिया था। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तभी आशा अपने पास से स्वीट्स निकालता है। यमातो कहता है, मैं ये तभी लूंगा अगर ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से होंगी तो। आशा कहता है, ये मैं ही तुम्हारे लिए लाया हूँ। यमातो उन स्वीट्स को लेकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। यमातो कहता है, इस दिन का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, आज मैं शायद खुशी से मर ही जाऊँगा। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए स्वीट्स लाया था। वो आशा को स्वीट्स देते हुए कहता है, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई हैं। आशा कहता है, व्हाट, तुमने ये अपने हाथों से बनाई हैं, थैंक यू सो मच यमातो। उसके बाद वो दोनों यमातो के घर जाते हैं और साथ में बैठकर उन स्वीट्स को खाते हैं। आशा को अब विश्वास हो गया था कि उसे भी यमातो से प्यार हो गया है। अगले दिन वो क्लास में बैठा यही सोच रहा था कि उसने अपने प्यार का कन्फेस अभी तक नहीं किया है। यमातो उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। आशा कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। वो सोचने लगता है, कन्फेस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं कैसे अपने प्यार का कन्फेस करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो याद करता है कि किस तरह यमातो ने अपने प्यार का कन्फेस किया था। यमातो ने उससे कहा था, मैंने हमेशा से तुम्हें ही प्यार किया है। आशा सोचने लगता है, मुझे भी एक कूल तरीके से अपने प्यार का कन्फेशन करना ही होगा। तभी दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की कहती है, तुमने कल वो ड्रामा देखा, उसमें कन्फेशन सीन दिखाया गया था, सच में कितनी ब्यूटीफुल कन्फेशन थी, पार्क में की गई थी एक ब्यूटीफुल व्यू के सामने। आशा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वहीं यमातो ने भी सुन लिया था। आशा और यमातो क्लास के बाद हमेशा की तरह उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो जाया करते थे। अचानक से वहाँ थंडर्स होने लगते हैं। आशा कहता है,
यमातो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पर इससे पहले वो कुछ कहता, बादलों की गरजने की आवाज़ और जोर जोर से सुनाई देने लगती है और अचानक वहाँ बारिश हो जाती है। वो दोनों बुरी तरह भीग जाते हैं। आशा बहुत ज्यादा भीग जाता है, जिस वजह से उसे कोल्ड हो जाता है। यमातो उसे विजिट करने के लिए आया हुआ था। जैसे ही आशिया यमातो की आवाज़ सुनता है, वो जानबूझकर सोने का दिखावा करने लगता है। वो मन में सोच रहा था, मैं सोने का दिखावा क्यों कर रहा हूँ? पर यमातो उसके बहुत नज़दीक आ जाता है। यमातो उसकी सोते वक्त ही उसे किस करने की कोशिश करता है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ का एक लास्ट एपिसोड रह गया है, वो भी रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूँगी। आज का पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Bye-bye.